हे गाइस, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सेशन 19 से 22 का पार्ट 1 में जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में 23,243 छात्र छात्रा प्रमोटेड थे, फेल थे। उनका एडमिशन या फॉर्म फिल कैसे होगा, ए टू जेड सभी जानकारी हम यही एक वीडियो में देने वाले हैं। जो छात्र छात्रा प्रमोटेड है या फेल है, उनका अब क्या करना होगा कि उनका सेशन एक साल पीछे ना जाए, उनका सेशन कैसे क्या किया जाएगा, सभी जानकारी हम देने वाले हैं। तो न्यूज में क्या कुछ दिया हुआ है, चलिए हम बारीकी से जानने का प्रयास करते हैं। पार्ट वन परीक्षा में प्रमोटेड हुए थे 23,243 परीक्षार्थी। पार्ट वन परीक्षा में कुल 1,22,653 विद्यार्थी थे, इसमें से 88,505 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 23,243 प्रमोटेड हुए। 9,747 विद्यार्थी इस परीक्षा में फेल हो गए, जबकि 901 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। यह परीक्षा ओमार सीट पर ली गई थी दोस्तों, ठीक है, ओमार सीट पर ली गई थी। आपकी परीक्षा ओमार सीट पर ली गई थी। कहा गया कि ओमार पर बुकलेट सीरीज नहीं भरने के कारण 237 का परिणाम पेंडिंग हो गया था। विश्वविद्यालय के मुताबिक जिन छात्रों ने अपनी ओमार सीट पर बुकलेट से दर्ज नहीं किया गया था, उनकी कॉपी नहीं जांची जा सकी। ऐसे विद्यार्थियों को अपने कॉलेज में संपर्क और आवेदन देने के लिए कहा गया था दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात, जो छात्र छात्रा पार्ट वन में प्रमोटेड फील, उनका क्या होगा दोस्तों। तो आपका सेशन 20 से 23 वाले के साथ आपका फिर से फॉर्म फिल हो रहा है। जी हाँ, 11 तारीख तक लास्ट डेट है, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप अपने कॉलेज में जाइए और सेशन 20 से 23 वालों के साथ पार्ट वन का फॉर्म फिल कीजिए और पार्ट वन के साथ अपना आपका जो भी प्रमोटेड है उस विषय का आपका एग्जाम हो जाएगा और यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप सेशन 19 से 22 के साथ पार्ट टू का जो फॉर्म फिल होगा, एडमिशन होगा, उसमें आप एक विजिट काम करा लीजिएगा, दोनों सेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर इतना काम नहीं कराते हैं तो आपका एक साल बैक चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए आप सोचो अपने कॉलेज में जाइए और पार्ट वन का पहले फॉर्म को फिल कर लीजिए। कोई भी तो रहे या कमेंट कर सकते हैं या मुझसे चैट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं किसी और नई न्यूज के साथ, तब तक जय हिंद।